नमस्कार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। उपचुनाव जीतने की तैयारी में जुटी है बीजेपी। आज आजमगढ़ जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने आजमगढ़ के लिए अब कमर कस ली है और प्रत्याशी दिनेश लाल के अब प्रचार किए जाएंगे और प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे, क्योंकि आजमगढ़ में प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी, उपचुनाव जीतने की तैयारी में बीजेपी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और अपनी कमर कसकर तैयार बीजेपी। आज आजमगढ़ जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दरअसल दिनेश लाल यादव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, तो प्रत्याशी दिनेश लाल के लिए प्रचार करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। उपचुनाव जीतने के लिए लगातार बीजेपी तमाम तरीके की कोशिशें कर रही है और ऐसे में फिलहाल इन कोशिशों को ये कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा चुकी है और इसी तैयारी के तहत आजमगढ़ जाने का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्लान है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ इस वजह से जाना चाह रहे हैं क्योंकि दिनेश लाल यादव को प्रचार प्रसार करते हुए आम जनता तक उनके बीच पकड़ मजबूत करानी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। इससे पहले हालांकि हमने ये भी देखा था कि योगी आदित्यनाथ भी गए थे दिनेश लाल यादव के समर्थन में आजमगढ़ और आजमगढ़ में प्रचार प्रसार किया गया था। अब योगी आदित्यनाथ के बाद डिप्टी सीएम भी खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे प्रचार प्रसार करने के लिए। प्रत्याशी दिनेश लाल यादव का प्रचार प्रसार किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव को निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, बड़े चेहरे हैं। ऐसे में आजमगढ़ में उनकी जीत के लिए लगातार डटी हुई है बीजेपी और तमाम कोशिशें की जा रही है। तो स्टार प्रचारकों की सूची के आधार पर जिस तरीके देखे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी आजमगढ़ पहुंचे। आज ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के लिए प्रचार करने के लिए खुद डिप्टी सीएम ने मोर्चा संभाला है। तो उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी जुटी हुई है और लगता यही है कि इस बार शायद वो कोशिशें सफल भी हो सके, क्योंकि आज चुनाव मैदान में प्रचार प्रसार करने के लिए डिप्टी सीएम खुद उतर रहे हैं। आजमगढ़ में उपचुनाव के लिए प्रत्याशी दिनेश लाल यादव हैं बीजेपी की तरफ से, और ऐसे में दिनेश लाल यादव के प्रचार प्रसार